नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ग्रामीणों को जोड़ा जाएगा व्यवसाय से। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक रुपए परमिट पर राज्य सरकार चलाएगी बस। पहले यात्री बस को प्रशासनिक अधिकारियों ने किया आज रवाना। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र के मिनी बस स्टैंड के पास देर रात अनियंत्रित डंपर ने लिया दो लोगों को अपनी चपेट में। पार्टियों में कारीगरी का काम करते थे। जमशेदपुर के बर्ममाइन स्थित टाटा टेक्निकल इंस्टीट्यूट में टेक फेस्ट का किया जा रहा है आयोजन। आधुनिकीकरण के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा के तहत तकनीकों को दिया जा रहा है बढ़ावा। झारखंड विकास मोर्चा ने राशन कार्ड में गड़बड़ी तथा लाभुकों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ किया जिला मुख्यालय में प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को व्यवसाय से जोड़ने हेतु लोन प्रदान किया जा रहा है और इसको बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए यात्री बस सर्विस को केवल एक रुपए के परमिट पर चलाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। पूर्वी सिंहभूम जिले में पहले यात्री बस सर्विस को जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रत्येक ग्रामीण इलाकों को बस सर्विस से जोड़ने का लक्ष्य जिला प्रशासन ने तय किया है और राज्य सरकार ने महिलाओं को केवल एक रुपए में परमिट निर्गत करने का निर्णय सुनाया है। जिले के पहले ग्रामीण बस सर्विस के रूप में जमशेदपुर से चाकुलिया तक के लिए बस शुरू की गई है। शुक्रवार को जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण बस को रवाना किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है, जिले के सभी ग्रामीण इलाकों के लिए इस तरह का सर्विस शुरू किया जाएगा। टाटा से चाकुलिया तक जाएगी, सारे ग्रामीण क्षेत्रों को टच करते हुए। इसमें ग्रामीणों को बहुत ज्यादा इससे फायदा होने जा रहा है और जिसने ये शुरू किया है, जिसने लिया है उसको मात्र एक रुपए पर परमिट दिया गया, इसका टैक्स नहीं लगा, ये उनको बेनिफिट दिया गया। और बस अभी शुरुआत, सभी क्षेत्रों को कवर करना है पूरे जिले में, शुरू हो गया टाटा से अभी चकलिया। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र के मिनी बस स्टैंड के पास देर रात तेज रफ्तार डंपर का कहर देखने को मिला, जहां डंपर ने दो लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद डंपर चालक डंपर को छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में दोनों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान दोनों की ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। मृतक की पहचान नीलू कुंभकार और ज्योति माझी के रूप में की गई है। दोनों बंगाल के रहने वाले थे और कारीगर का काम करते थे। जमशेदपुर के साक्षी में शादी समारोह में काम करने वे आए थे कि देर रात तेज रफ्तार डंपर ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल परिवार के लोग मौके पर पहुंचकर डंपर के चालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और दोनों के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग पर अड़े हैं। फिलहाल पुलिस दोनों के शव का पोस्टमार्टम करवा रही है और सड़क में लगे सीसीटीवी कैमरा देख डंपर की पहचान की जा रही है। घटना साक्षी गोल चक्कर के मिनी बस स्टैंड के पास 11:30 रात को कोई अज्ञात वाहन द्वारा एक्सीडेंट हुआ। पुलिस को खबर मिला कि एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पर से पुलिस उठा करके एमजीएम हॉस्पिटल लाया और यहाँ स्पॉट डेथ मरण एक्सपायर कर गया, मर गया। अच्छा, कौन गाड़ी मारा? गाड़ी कौन मारा वो देखा नहीं गया और उसका पता भी नहीं चल रहा है कौन गाड़ी मार। क्या काम करता था यहाँ पर? पता चला ये लोग खाना कहीं शादी समारोह में खाना वाला लोग बनाता था। कहाँ का रहने वाला है? हर लोग पश्चिम बंगाल पुरुलिया का। जमशेदपुर के बर्ममाइन स्थित टाटा टेक्निकल इंस्टीट्यूट में टेक फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। दो दिवसीय इस फेस्ट की शुरुआत 24 नवंबर से हुई। उद्घाटन सत्र में कई कंपनियों के एमडी तथा शिक्षा जगत के लोग शामिल हुए। दो दिवसीय इस टेक फेस्ट में जमशेदपुर शहर के 30 कॉलेजों के छात्र शामिल हो रहे हैं, साथ ही इसमें आईटीआई कॉलेजों से भी छात्र शामिल हुए हैं। वर्तमान समय में आधुनिकीकरण के साथ ही पर्यावरण की रक्षा करते हुए तकनीकों को बढ़ावा दिया जाना ही इस फेस्ट का मुख्य उद्देश्य है। फेस्ट में छात्रों ने विज्ञान की दुनिया और तकनीकी शिक्षा के आधार पर मॉडल्स तैयार किए
और ये विश्लेषण आगंतुकों को दिया। एक से बढ़कर एक मॉडल्स यहाँ देखने को मिले। उद्घाटन सत्र के दौरान टाटा पिगमेंट के MD सुब्रतो ने कहा कि ये छात्र ही हमारे कल हैं और युवा शक्ति से ही देश आगे बढ़ सकता है। इस तरह के फेस्ट से युवाओं को प्रेरणा मिलती है और तकनीकी के क्षेत्र में ये आगे बढ़ सकते हैं। देयर आर सर्टेन रियलिटीज ऑफ टुडे। आज के दिन में दुनिया में कुछ सच्चाइयां हैं and some of these have got reflected in the projects which have been put up by the students over here. Hamare yahan par climate change, air pollution, water pollution, other waste dumping, shortage of resources, ye jo kuch problems hai is duniya ke, iske bare mein aaj ke din mein hamare yahan most people are getting sensitive about it, most people are getting more aware about it, they are getting concerned about it. That is one reality. Jis tarah se pichla 15 saal se duniya change kiya hai, and aaj ke din ye sab changes bahut fast pace se ho rahe hain, cheez aa rahe hain, aur usse kafi kuch solution development ka possibilities badh raha hai. Is desh ko tarakki chahiye, is desh mein बहुत इंडस्ट्री चाहिए, इस देश में बहुत डेवलपमेंट होना जरूरी है और ये डेवलपमेंट एक 70-80 ईयर ओल्ड पर्सन को शायद उतना एनर्जी या एंथुजियाज्म नहीं रहेगा करने के लिए जो एक यूथ कर सकता है। झाबीमो जमशेदपुर जिला इकाई ने राशन कार्ड धारियों की समस्या तथा उसमें गड़बड़ी किए जाने के खिलाफ जमशेदपुर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया, साथ ही एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा। इस दौरान झाबीमो जिलाध्यक्ष ने कहा कि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कई इलाकों में राशन कार्ड में गड़बड़ी है। इन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र के निवासियों का राशन कार्ड बनवाया गया है उनके लिए दुकानें किसी अलग क्षेत्र में निर्धारित की गई है। इन्होंने कहा कि नियमित एक ही थाना क्षेत्र में लाभुक तथा दुकान दोनों होने चाहिए, परंतु यहाँ ठीक इसका उल्टा किया गया है और लाभुकों को 5 से 7 किलोमीटर दूर के इलाके में दुकान निर्धारित कर दी गई है और लाभुक उतने दूर जाकर राशन नहीं ले पा रहे हैं। इन्होंने मांग किया कि इस गड़बड़ी में सुधार किया जाए और वापस उन्हें अपने क्षेत्रों के दुकानों से राशन प्रदान किया जाए। आज हम लोग झारखंड विकास मोर्चा जमशेदपुर महानगर की ओर से राशन कार्ड में भारी अनियमितता को लेकर हम लोग मांगने आए हैं। पहला विषय है जो बाबूडी क्षेत्र में 10 राशन दुकानों को किस प्रकार आवंटन हुआ, यह जांच का विषय। दूसरा विषय हमारा है जो टेलको थाना क्षेत्र हो, गोलमुड़ी थाना क्षेत्र है, बारीडी थाना हो, चाहे बर्मा माइंस हो, साक्षी थाना क्षेत्र हो, सभी थाना क्षेत्र के कार्डधारियों को लगभग हजारों की संख्या में बाबूडी, कानू भट्टा, लाल भट्टा, नंदनगर, ग्वाला बस्ती क्षेत्रों में भेजा गया है। आप बताइए जो टेलको से 5 किलोमीटर चल के महिला किस प्रकार बाबूडी के क्षेत्र में राशन लेने आएगी। वहाँ ऑटो की व्यवस्था नहीं है, बस की व्यवस्था नहीं, आने जाने की यातायात की व्यवस्था नहीं है। तो झारखंड विकास मोर्चा उपायुक्त महोदय से मांग करने आई है जो आप एक निर्देश निर्गत करें, जो थाना क्षेत्र में राशन कार्ड धारी है उसी क्षेत्र में उसका जो है राशन मिले, ऐसा व्यवस्था करें। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर। जमशेदपुर के साक्षी थाना इलाके में गुरुवार की देर रात हुए सड़क हादसे में रसोई का कार्य करने वाले 2 कारीगरों की मौत हो गई थी। शुक्रवार को उनके परिजनों तथा साथियों ने मिलकर साक्षी थाने में प्रदर्शन किया, साथ ही उनके परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। गुरुवार को तेज रफ्तार डंपर ने 2 कारीगरों की जान ले ली थी। ये दोनों पेशे से कारीगर का कार्य किया करते थे और शादी वगैरह के ऑर्डर पर आए दिन जाते रहते थे। शादी के कार्य से निकलने के बाद वो वापस घर जा रहे थे और उसी वक्त ये हादसा हुआ। इनके परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर इनके परिजनों व साथियों ने साक्षी थाने में प्रदर्शन किया, साथ ही उनके परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा दिए जाने की मांग की। उनके परिजनों के अनुसार कारीगर का कार्य करके ही वे अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे और उनके परिवार का अब कोई सहारा नहीं बचा, जिस कारण से उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। कल 50-60 आदमी का काम करके आ रहे थे साक्षी में, पोस्ट ऑफिस के सामने कोई बड़ा गाड़ी मार के चली गया, 2 जन एकदम स्पॉट डेड हो गया था। हीरो पुछ गाड़ी में था, तो गाड़ी में तो पड़ा हुआ था, तो थाना प्रभारी ले गया भर्ती किया, उसी का खबर से हम लोग को खबर मिला, आए
छोटा छोटा उसका बाल बच्चा है, हम लोग को क्या, वो लोग अगर दो दो लाख मिल जाए तो अच्छा है। वो लोग दामदा काम था, पुरुलिया का है, एक तो ज्योति लहर है और एक तो का नाम क्या, ये नीलू। हम लोग और कुछ नहीं, बस मुआवजा मिल जाने से हम लोग कुछ बोलना नहीं है, क्या उसका छोटा छोटा बाल बच्चे को कौन खिलाएगा। घाटशिला अनुमंडल के मुसावनी प्रखंड में सन 2011 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाने का काम शुरू किया गया था, पर अचानक बिना किसी कारण के सड़क को आधा अधूरा छोड़कर संवेदक भाग खड़े हुए। इसके खिलाफ आज ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला। मुसावनी प्रखंड के कोयली सोता पंचायत में आज सुबह से ग्रामीण काफी आक्रोशित नजर आ रहे थे। ग्रामीणों ने आजसू के बैनर तले कोयली सोता चौक रोड को जाम कर दिया। कारण ये है कि सन 2011 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यहां सड़क बनाने का काम शुरू तो किया गया था, पर अचानक काम को आधा छोड़कर संवेदक बिना किसी कारण के यहां से चले गए, जिसे ग्रामीणों को न तो सड़क मिला और न ही उनकी समस्याओं का समाधान हुआ। इससे खफा ग्रामीणों ने आज मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, मुसावनी प्रखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पिछले 2011 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत काम शुरू किया गया था। संवेदक द्वारा कुछ ही दिन काम करने के बाद ये सड़क अधूरा छोड़ के चला गया। आज 6 साल हो गया, किसी तरह ना संवेदक ना प्रशासन इस पर सुध लिया। ग्रामीणों ने कई बार इस क्षेत्र के निर्माण के लिए, सड़क का निर्माण के लिए प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन हमेशा इन लोग आश्वासन ही देते रहे। मजबूरन जो है आज के दिन में हम लोग सड़क के लिए सड़क पर उतरना पड़ा, और हम लोग जब तक इसका शुरू नहीं हो जाता तब तक ये सड़क हमारा जाम रहेगा। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र अंतर्गत चिमको बस स्टैंड के समीप एक दवा दुकान पर चोरों ने चोरी का प्रयास किया, परंतु वे सफल नहीं हो पाए। दुकान के मालिक को सुबह होने पर इसकी सूचना मिली। इस दवा दुकान पर पिछले वर्ष चोरों ने अपना हाथ साफ किया था और यहां से नगद और सामानों को चुराए थे, परंतु वे चोर आज तक पकड़े ही नहीं गए। गुरुवार देर रात भी यहां चोरों ने अपना हाथ साफ करने का प्रयास किया, परंतु दरवाजा तथा एस्बेस्टर को नहीं काट पाने की वजह से वे सफल नहीं हुए। सुबह जब दुकानदार दुकान खोलने पहुंचे तो उन्हें इस घटना की जानकारी मिली। इसकी सूचना इन्होंने पुलिस को दे दी है। वैसे सवाल ये उठता है कि अगर रात के वक्त पुलिस गश्ती होती तो इस प्रमुख स्थान पर चोर चोरी की घटना को अंजाम कैसे देते हैं, या फिर गश्ती के नाम पर केवल खाना पूर्ति हो रही है। थोड़ा ऊपर तोड़ दिया, निकले के वो घुस नहीं पाया अंदर से। हाँ, इसके पीछे में एक दरवाजा था। अच्छा, दरवाजा को तोड़ दिया है। अच्छा, जो रेक लगा था, रेक को हटा दिया। इसके पहले भी 1 साल पहले मैंने वही वाले पैसा थोड़े घुस गया था। हाँ, थोड़े घुस गया और जाके मैंने चेंज पैसा कुछ था 500-600 रुपया वो उठा के लेके चला गया। आज वो घुसा है लेकिन घुस नहीं पाया, निकल नहीं पाया। तोड़ दिया, पैसा तोड़ दिया है और दरवाजा तोड़ दिया है। खरसवा थाना क्षेत्र के कश्यारी गांव में देर रात हाथियों ने तांडव मचाया। इस दौरान हाथियों ने एक कच्चे घर की दीवार को तोड़ते हुए एक महिला को जख्मी कर दिया। खरसवा थाना अंतर्गत कश्याडी गांव में देर रात जंगली हाथियों ने उत्पात मचाते हुए गांव के ही एक कच्चे मकान की दीवार को उठा दिया और घर में सो रही 45 वर्षीय महिला सोमवती सरदार पर हमला कर दिया। घायल महिला को तुरंत सरायकेला सदर अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं एक अन्य महिला का इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। मतलब हाथी जो दीवार तोड़ दिया तो दीवार तो गिर के उसका मतलब पूरा जख्मी हो गया उसका गिर के। ऐसे तो सर बहुत ज़्यादा था, वहाँ बहुत ज़्यादा था, ऐसे तो बहुत ज़्यादा घर तोड़ा है उन्होंने। हाँ, घटना तो ऐसे पहले घर और नहीं थोड़ा था, लेकिन पहले भी एक बार आया था, मतलब ऐसे डेली आ रहा है अभी, तो आज जाके घर और तोड़ दिया वहाँ। हाँ, आगामी 27 नवंबर को NCC महोत्सव का आयोजन जमशेदपुर के LBSM कॉलेज में किया जा रहा है, जो 3 दिनों तक चलेगा। इसमें शिक्षा जगत से लेकर डिफेंस के कई पदाधिकारी शामिल होंगे। इसकी तैयारी कॉलेज प्रबंधन तथा 37 बटालियन NCC के द्वारा जोरों पर किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस NCC महोत्सव में पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी NCC कैडेट्स शामिल होंगे। कैडेटों के अंदर ऊर्जा लाने तथा उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारियां जोरों पर की जा रही है। महोत्सव के अंतिम दिन कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति तथा डिफेंस के कई अधिकारी समापन समारोह में शामिल होकर कैडेटों का उत्साहवर्धन करेंगे।
तीन दिनों का एनसीसी महोत्सव है। कल यानी 25 तारीख को सवेरे साइकिल रैली जिला स्तर पर होगी, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम रहेगा। और 26 तारीख संडे को झारखंड के विकास में युवाओं का योगदान विषय पर एक संगोष्ठी होंगे। और उसके बाद 27 तारीख को इसका समापन समारोह होगा, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति शुक्ला महंती, MLA मेनका सरदार और इस एरिया के गण्यमान्य लोग जो शिक्षा प्रेमी हैं उन लोग शामिल होंगे। आदित्यपुर नगर निगम वार्ड संख्या 17 में एक अनूठा पहल शुरू किया जा रहा है। इसके तहत कचरे का उठाव करने वाले वाहन में एक बॉक्स लगा होगा, आप उस बॉक्स में घर की बची हुई रोटी डाल सकते हैं। इन रोटियों को गौ सेवा के तहत गौ माता को खिलाई जाएगी। आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 17 में एक अनूठा पहल किया जा रहा है। इसके तहत गार्बेज पिकअप वैन में एक बॉक्स लगा होगा और इस बॉक्स में लोग अपने घर की बची हुई रोटियां डाल सकते हैं। समाज सेवियों द्वारा इन रोटियों को इकट्ठा करते हुए गौ सेवा के लिए उपयोग किया जाएगा। वार्ड संख्या 17 की पार्षद अनुप्रीता रमन इस योजना से बेहद खुश है। समाज विज्ञानी तथा अधिवक्ता रविन्द्रनाथ चौबे ने इस पहल की सराहना की और कहा, अगर इस पहल में सबका साथ मिलता है तो आने वाले समय में उन अन्य वार्डों में भी इस योजना को शुरू किया जाएगा। के लिए जो लगातार 2 साल से जिस तरफ से ये कर रहे हैं वो तरफ निश्चय ही बदलाव लाएगा और हम लोग का वार्ड और हम लोग का आदित्यपुर धीरे धीरे स्वर्ग बन जाएगा। जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज के NSS इकाई द्वारा सद्भावना के संदेश को जनता के बीच फैलाने के उद्देश्य से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जो कॉलेज से निकलकर साक्ची क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से होते हुए वापस कॉलेज परिसर पहुंची। इस दौरान NSS के छात्रों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सभी को सद्भावना और समानता का संदेश दिया। कॉलेज के द्वारा प्रत्येक वर्ष ये रैली निकाली जाती है। ये रैली कॉलेज परिसर से निकलकर साक्ची गोल चक्कर से होते हुए वापस कॉलेज परिसर पहुंचकर समाप्त हुई। इस रैली का नेतृत्व खुद कॉलेज के प्राचार्य ने किया। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि ये छात्राएं सद्भावना और समानता का संदेश लेकर जनता के बीच निकली है। हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है और आपसी सद्भाव और सद्भावना से ही देश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और इसी संदेश को जनता तक पहुँचाने के उद्देश्य से इस रैली का आयोजन किया गया था। रैली है, प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं सद्भावना रैली। ये NSS के एक मोटो में से एक है और NSS के शेड्यूल के अंदर से ही हमें ये आज का दिन विशेष रूप से चंदा दिवस के अवसर पर हम लोग सद्भावना रैली कर रहे हैं। सद्भावना की बहुत आवश्यकता है हमारे देश में, हमारा देश सद्भावना के लिए ही जाना जाता है, तो हमें अपनी इस परंपरा को जारी रखना है और आगे बढ़ाना है। क्या उद्देश्य होता है इतना? इसका उद्देश्य यही है कि हमारा देश विभिन्न प्रकार की भाषाओं सभ्यताओं और खान पान और वेशभूषा वाला देश है और सब लोग एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखें और खुशी खुशी शांति से जिएं, जिससे कि देश और समाज में इसका उत्थान हो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जमशेदपुर इकाई द्वारा छोटा गोविंदपुर इलाके में सड़क निर्माण की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिले के उपायुक्त को सौंपा गया, साथ ही इस पर अविलंब कार्रवाई की मांग की गई। इनके द्वारा गोविंदपुर ग्रामीण बैंक से रेल फाटक जो लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है वहां सड़क बनाने की मांग उठाई गई है। इन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी ये मांग जिला प्रशासन के समक्ष उठाई गई है, जबकि उस वक्त भी आश्वासन दिया गया था। इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में एक बड़ी आबादी निवास करती है जो इस सड़क से आना जाना करती है और यहाँ की सड़क की स्थिति काफी जर्जर है। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती है और इसके समाधान हेतु यहाँ सड़क का निर्माण करवाया जाना चाहिए। गोविंदपुर के स्थानीय समस्या को लेकर के गोविंदपुर में दास मेडिकल से रेलवे क्रॉसिंग तक का रोड बहुत ही जर्जर है। हम लोगों ने पिछले दिन आकर के DC महोदय से आग्रह किया था कि उसको जल्द से जल्द बनाया जाए, उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन दुख की बात है कि 20 दिन बीतने के बावजूद भी आज वह स्थिति जर्जर में ही है, रोड का निर्माण नहीं हो पाया है। इसलिए हम लोग पुनः आकर के आज ये कहने जा रहे हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जमशेदपुर के शाखा गोविंदपुर के द्वारा कि आप जल्द से जल्द उसका निराकरण कराएं, नहीं तो गोविंदपुर के जनता को लेकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन के लिए बाध होगी।
जमशेदपुर में जोगा इंटर स्कूल बॉयज बास्केटबॉल टूर्नामेंट में 14 स्कूलों से 24 टीमें अपना किस्मत आजमा रही है। सीनियर और जूनियर वर्ग में कई स्कूलों ने उम्दा प्रदर्शन कर फाइनल के लिए अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। बिष्टुपुर स्थित जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टाटा स्टील खेल विभाग के द्वारा खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जोगा इंटर स्कूल के तहत कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। इसी क्रम में बॉयज बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 14 स्कूलों के 24 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाने के लिए पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। कई स्कूलों के द्वारा उम्दा खेल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल के लिए अपनी जगह सुनिश्चित कर ली गई है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।